नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मुकेश शर्मा फैन ऑफ मुकेश में। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस से संबंधित कुछ मुख्य एंजाइम्स के बारे में और ग्लाइकोलाइसिस की एंटायर पूरी प्रोसेस के बारे में। ओके, सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्लाइकोलाइसिस की जो ये प्रोसेस है उसके बारे में बिगिनिंग, सबसे फर्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट ये है कि रेस्पिरेशन की जो दोनों प्रोसेस होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, दोनों ही कंडीशन के अंदर मुख्य जो प्रोसेस काम में ली जाती है वो ली जाती है ग्लाइकोलाइसिस। इसका मतलब चाहे वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों ही प्रोसेस के अंदर क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस का इम्पोर्टेंट इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, अगर हम बात करें वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन की, उस कंडीशन के अंदर तीन मुख्य प्रोसेस को हम इन्वॉल्व करते हैं। पहली का नाम है ग्लाइकोलाइसिस, इसके बाद में जो प्रोसेस आएगी उसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम ईटीएस। ठीक है, तो इस प्रकार मुख्यतया जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है वो दोनों एरोबिक और एनएरोबिक कंडीशन के अंदर क्या है, कॉमन है। सो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस संबंधित सबसे फर्स्ट पॉइंट है 1930, इट मीन्स द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है उसको डिस्कवर किया था एमडेन, मेयरहोफ एंड पारनास, तीन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एमडेन, मेयरहोफ और पारनास। ठीक है, तो इन तीनों नामों के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी होगी 1930 में और ईएमपी पाथवे बोलते हैं। अब आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं कि ये प्रोसेस होती कहां पर है। हर एक सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो होगी साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसका मतलब उसके अंदर क्रेब साइकिल तो ऑपरेट नहीं हो पाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसका मतलब उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, एक कोशिका, जैसे आपको एक कोशिका बना के बताऊं, ये कोशिका, इस कोशिका के अंदर ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया कोशिका द्रव्य, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव्य के अंदर ये सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के वर्ड के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस का जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से। और ग्रीक भाषा से ग्लाइकोस ग्लाइकोस मीन्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं ग्लाइकोस, ग्लाइकोस का मतलब हो गया स्वीट और ग्लूकोज, और नेक्स्ट लाइसिस का मतलब हो गया विघटन या टूटना। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज क्या होगा, टूटेगा। आप सभी को पता है जब एक कॉम्प्लेक्स या जटिल अणु जब सिंपल वन में कन्वर्ट होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो वो क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अपना टारगेट भी ये है कि ग्लूकोज जब बर्न होगा, ग्लूकोज का जब विघटन होगा, तो उससे क्या होगा, एक कोशिका को ऊर्जा मिलेगी, जिससे वो कोशिका अपने जो जनरल फंक्शन है, सामान्य जो कार्य है, उसको संपादित कर सकेगी। ग्लूकोज के तोड़ने का भी टारगेट अपना यही है कि अपन क्या करना चाहते हैं, इस पूरी प्रोसेस बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब
ग्लूकोज के टूटने को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया होगी कहां पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इस प्रक्रिया के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज किसमें टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा पाइरूविक एसिड के अंदर, पाइरूविक एसिड या अम्ल के अंदर। ठीक है, तो ये जो एंटायर प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बेसिस पे अपन ये समझा हमने कि ग्लूकोज से पाइरूविक अम्ल बनेगा इस सारी प्रोसेस के थ्रू, और वो अपना टारगेट होगा ग्लूकोज से पाइरूविक अम्ल को बनाना। अब इसकी हर एक स्टेप को कंटिन्यूअसली स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के साथ आप कंटिन्यू बने रहिए। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझ लिया यहाँ पर, तो आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, सबसे फर्स्ट प्रोसेस हो गई यहां पर, अपन ने क्या करना है, ये ग्लूकोज, सबसे फर्स्ट ग्लूकोज अपने पास, और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ये अपने पास ग्लूकोज है, कार्बन की कितने मॉलिक्यूल अपने पास, 6। और जो लास्ट प्रोसेस के थ्रू अपने पास इसके अंदर प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं पाइरूविक एसिड, और पाइरूविक एसिड के अंदर होते हैं कार्बन 3। ठीक है, तो जब कार्बन 3 एक पाइरूविक एसिड से होते हैं, एक पाइरूविक एसिड में, तो ग्लूकोज से कितने पाइरूविक एसिड बनेंगे, 2 पाइरूविक एसिड। और इसके बीच में हर एक स्टेप के अंदर अलग अलग तरीके के एंजाइम्स का क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, और अलग कुछ स्टेप ऐसे हैं जिनके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज सबसे फर्स्ट किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। इसका मतलब ग्लूकोज की जो भी स्ट्रक्चर है, उसकी जो 6 पोजीशन है कार्बन की, उसकी पोजीशन के ऊपर क्या ऐड कर दिया आपने, फॉस्फेट। तो इसका मतलब इसकी फॉस्फेट के ऊपर, ग्लूकोज की जो 6 पोजीशन है वहां पर फॉस्फेट आया। इस फॉस्फेट को डोनेट कौन करेगा, इसको फॉस्फेट कहां से मिलेगा, इसके लिए एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है यहां पर, और उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। क्या नाम है, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, इसका मतलब इसके पास काइनेज एक्टिविटी है, और इस काइनेज एक्टिविटी से क्या करता है, एक सेल के अंदर ये फॉस्फेट को रिसीव करता है, फॉस्फेट को ग्रहण करता है, और ग्लूकोज की 6 पोजीशन के ऊपर लाके उसको छोड़ देता है। ठीक है, इसलिए ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 6 फॉस्फेट में। लेकिन ये फॉस्फेट लेगा कहां से, इसलिए ये फॉस्फेट इसको डोनेट करेगा जब एटीपी कन्वर्ट होगी किसके अंदर, एडीपी और पीआई के अंदर। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो गई, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर। और एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी। ये जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से इसकी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तो इसने क्या कर दिया, ये फॉस्फेट रिलीज कर दिया। और जब इसने फॉस्फेट रिलीज किया, उस फॉस्फेट को किसने रिसीव कर लिया, इस काइनेज ने, और ट्रांसफर कर दिया किसके ऊपर, ग्लूकोज के ऊपर। ठीक है, इसलिए क्या बन गया, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ठीक है, अभी ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो बना वो कन्वर्ट किसमें होगा, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या है, मोनोसेक्राइड, और दोनों की स्ट्रक्चर क्या है, एक जैसी, कुछ डिफरेंस है स्ट्रक्चर के अंदर, बाकी इनका जो फॉर्मूला है दोनों का क्या है, एक जैसा है। ठीक है, मतलब C6H12O6 फ्रक्टोज का है और C6H12O6 इसका है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बनी, इसका मतलब इन दोनों के अंदर क्या हो गया, आइसोमराइजेशन हो गया। ठीक है, तो आइसोमर जो फॉर्म है ग्लूकोज की वो कौन है, फ्रक्टोज। तो इसकी आइसोमर फॉर्म कन्वर्ट करने वाला एंजाइम यहां पर क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, इसलिए उस एंजाइम का नाम हम क्या देंगे, आइसोमरेज। ठीक है, अब ये जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है, ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट, या इसको डाइफॉस्फेट भी बोलते हैं।
आरबीएससी की जो बुक है उसमें लिखा डाइफॉस्फेट, लेकिन एक्चुअल में क्या है? डिसफॉस्फेट। अब देखो फ्रक्टोज 1,6 डिसफॉस्फेट, इसका मतलब 6 पे तो फॉस्फेट था पहले फ्रक्टोज में, लेकिन 1 पोजीशन पर भी क्या ऐड कर दिया गया है? फॉस्फेट। इसका मतलब पहली वाली कंडीशन की जैसे ही इसको भी क्या मिलेगा? फॉस्फेट मिलेगा। और फॉस्फेट कहां से मिलेगा? जब एटीपी कन्वर्ट किसमें होगा? एटीपी और पीआई के अंदर, ठीक है। मतलब एटीपी कन्वर्ट हो गया एटीपी और पीआई में, और ये जो फॉस्फेट रिलीज हुई है इसको एक एंजाइम रिसीव करेगा और इस फ्रक्टोज के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। लेकिन उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है फ्रक्टोज है, इसलिए उस एंजाइम का नाम हो गया फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, ठीक है। मतलब फ्रक्टोज के ऊपर क्या ऐड करेगा? ये फॉस्फेट को ऐड करेगा, इसलिए इसका नाम हो गया फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। देखो पहली वाली प्रोसेस और तीसरी वाली प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलेंगी। इसके अलावा एक प्रोसेस नाइन्थ की प्रोसेस आएगी, जब आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, वो प्रोसेस क्या? इरिवर्सिबल है, मतलब अनुत्क्रमणीय है, एक ही डायरेक्शन में वो चलेगी। बाकी जितने भी प्रोसेस इसके अंदर आएगी वो सारी की सारी क्या होगी? उत्क्रमणीय होगी, मतलब वो क्या होगी? रिवर्सिबल डायरेक्शन में भी जा सकती है। जैसे ये वाली जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या होगी? रिवर्सिबल भी हो सकती है, मतलब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो सकता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के आगे क्या होता है? ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फो ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है, 3 फॉस्फो ग्लिसरेल्डिहाइड, और 3 फॉस्फो ग्लिसरेल्डिहाइड के क्या बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल क्यों बनेंगे? क्योंकि इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, इसलिए यहां पर कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर क्या होते हैं? 6 कार्बन, तो 6 कार्बन से 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे 3 कार्बन वाले फॉस्फो ग्लिसरेल्डिहाइड। अब एक पॉइंट यहां पर ऐड करूं कि हमेशा जब एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है किसी भी एसिड के अंदर, उस कंडीशन के अंदर ये क्या करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब एसिड कन्वर्ट होता है किसमें? एल्डिहाइड में, तो एनर्जी को क्या करेगा? वो यूज करेगा या यूटिलाइज करेगा। वो हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। ये 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड क्या हो सकता है? कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर? डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट, DHAP, इसमें कन्वर्ट हो सकता है डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट। दोनों के अंदर ही कितने कार्बन है? 3 कार्बन, मतलब ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस है, बाकी दोनों के अंदर कार्बन के नंबर क्या है? सेम है। इसका मतलब ये इसकी आइसोमर फॉर्म क्या हो रही है? चेंज हो रही है, इसलिए यहां पर वापस से जो एंजाइम काम में आएगा उसको हमने क्या बोल दिया? आइसोमरेज, आइसोमरेज। इस कंडीशन के अंदर जब एल्डिहाइड ऐड हो रहा है, एल्डिहाइड में जब ये कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, उस कंडीशन में जो एंजाइम काम में आएगा उसका नाम हमने लिख दिया एल्डोलेज, ठीक है। तो अब तक की जो प्रोसेस हुई उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि पहली वाली प्रोसेस के अंदर क्या हुआ? ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सेकेंड वाली प्रोसेस के अंदर हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। थर्ड की जो प्रोसेस थी उसके अंदर क्या हुआ? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगी उस प्रोसेस के अंदर क्या होगा? सॉरी, थर्ड वाली प्रोसेस है ये वाली, और ये प्रोसेस कौन सी होगी? फोर्थ प्रोसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा? 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिसफॉस्फो
फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो इस वाली जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, एनएडी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनएडी कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस फॉर्म में। रिड्यूस फॉर्म में जब ये कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा, NaDH2। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर रिड्यूसिंग पावर है, और रिड्यूसिंग पावर में कन्वर्ट हुआ जब ये एनएडी से NaDH2 में, इस कंडीशन में इसको हाइड्रोजन चाहिए, और हाइड्रोजन इसको कौन देगा, एक एंजाइम वापस से, और वो एंजाइम कौन हो गया, डिहाइड्रोजिनेज। तो उस एंजाइम का पूरा नाम क्या हो गया, 3-फॉस्फोग्लिसरेडिएट डिहाइड्रोजिनेज। वो एंजाइम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिसीव करेगा अपने सबस्ट्रेट से, और किसको दे देगा, इस एनर्जी करेंसी को, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, NaDH2 में। तो सबसे पहली जो एनर्जी बन रही है पूरी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर, वो कौन सी फेज के ऊपर बनेगी, 5th नंबर स्टेप के ऊपर। ठीक है, सो स्टूडेंट अब अगली प्रोसेस इसके अंदर देखते हैं, ये 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें कन्वर्ट हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। इसका मतलब ये फेज कौन सी हो गई, फेज नंबर 6। तो इस प्रोसेस के अंदर देखो, 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसरिक एसिड जब कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, दो एडीपी और पीआई। ठीक है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने मिलकर क्या बना लिया इस प्रोसेस में, एटीपी। कितनी, दो, क्योंकि यहां पर अपने पास कितने मॉलिक्यूल बने हैं, दो मॉलिक्यूल बने फॉस्फोग्लिसरेडिएट के, इसलिए जब दोनों मॉलिक्यूल प्रोसीड करेंगे आगे तो अपने पास कितनी एटीपी मिलेगी, दो। तो इसी तरीके से अपने पास NADPH2 भी कितनी मिलेगी, दो। ठीक है, अब देखो आगे इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन हुआ है, इसका मतलब इसको फॉस्फेट यूटिलाइज किया, और इसके लिए वापस से जो एंजाइम काम में आएगा यहां पर वो कौन सा होगा, काइनेज एंजाइम। फॉस्फेट के लिए यहां पर वापस से किसका इन्वॉल्वमेंट हो गया, काइनेज का। अब बात करते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अगली वाली फेज के अंदर, ये देखो इसको मैंने 6 बता दिया, उसके बाद में क्या होगा, ये मैंने बता रहा हूं 7, इसके अंदर क्या होगा, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उसका नाम क्या हो गया, म्यूटेज। ठीक है, ये म्यूटेज से फिर क्या बनेगा, आगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगी, इस प्रोसेस को हमने 7th नंबर बता दिया, अभी जो प्रोसेस आएगी उसको बोलते हैं 8th नंबर। ठीक है, तो यहां तक अपन को ये समझ में आएगी, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड म्यूटेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगी, प्रोसेस नंबर 8, उसके अंदर क्या होगा, बनेगा फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, क्या बनेगा, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, PEP। इस प्रोसेस के अंदर जो एंजाइम काम में आएगा उसका नाम होगा इनोलेज, मतलब इनोलेज क्या करेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट करेगा फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में। प्रोसेस नंबर 9, अब बात करते हैं प्रोसेस नंबर 9 की, इस प्रोसेस के अंदर फॉस्फोइनोल पाइरूवेट क्या करेगा, 2 ADP और PI को न्यूट्रलाइज करके इसमें कन्वर्ट कर देगा 2 ATP में, मतलब 2 ATP का यहां पर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, और अपने पास जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, पाइरूवेट या पाइरूविक
एसिड पाइरूविक अम्ल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C3H4O3, ठीक है। मतलब तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल अपने पास किसके बन जाएंगे, पाइरूविक अम्ल के। इस प्रोसेस के अंदर देखो इंपॉर्टेंट बात है कि वापस से देखो एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहां पर जो एंजाइम काम में आएगा उसका नाम हो गया फॉस्फोइनोल पाइरूवेट काइनेज, ठीक है। ये हो गया काइनेज, प्रोसेस नंबर क्या हो गई है, 9 हो गई, ठीक है। और इस तरीके से इस एंटायर प्रोसेस के थ्रू हमने ये समझा कि टोटल 9 प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है, जिसमें ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया, दो मॉलिक्यूल किसके, पाइरूविक अम्ल के अंदर। अब देखो यहां पर इसकी अगर मैं समरी एनर्जी की बात करूं तो इसकी प्रोसेस नंबर फर्स्ट और प्रोसेस नंबर थर्ड, मतलब ये वाली प्रोसेस और इस वाली प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा था, एनर्जी को यूटिलाइज किया जा रहा था। एनर्जी को क्या किया जा रहा था, यूटिलाइज किया जा रहा था, जिसमें एटीपी किसमें कन्वर्ट हो रही थी, एटीपी और पीआई के अंदर, ठीक है। ये यहां से क्लियर हो गया। एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि प्रोसेस नंबर फर्स्ट, प्रोसेस नंबर थर्ड और प्रोसेस नंबर 9, ये तीन जो प्रोसेस है वो क्या है, इरिवर्सिबल है, बाकी सारी क्या है, रिवर्सिबल। तो इसका मतलब हम इनको छोड़ के बाकी सभी को क्या करेंगे, रिवर्सिबल के साइड से क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, ठीक है। जिसको यहां पर मैं इतना ही कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट और प्रोसेस नंबर 6, जिसके अंदर एटीपी दो बन रही थी, और प्रोसेस नंबर 9, जिसके अंदर दो बन रही थी। तो प्रोसेस नंबर 6 और 9, इन प्रोसेस के अंदर क्या हुआ कि दो और दो चार अपने पास क्या बन गई, एटीपी बन गई, ठीक है। तो टोटल एटीपी का प्रोडक्शन कहां, यहां पर कितना हुआ, 4 एटीपी का, दो हमने क्या ले ली, एटीपी काम में ले ली, एक तो प्रोसेस नंबर 1 पे और एक प्रोसेस नंबर 3 पे। और देखो ये वाला जो है NADH2, आपको पता है NADH2 कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और ये जब एटीपी में कन्वर्ट होती है तो एक NADH2 इक्वल होता है 3 एटीपी के। तो टोटल यहां पर 2 NADH2 बन रहे हैं, और ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में जाएंगे तो वहां पर ये क्या करेंगे, 3 एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे। तो टोटल 2 NADH2 से अपने पास कितनी बन जाएगी, 6 एटीपी। तो NADH2 आफ्टर ETS, ETS के बाद में कितनी देंगे, 6 एटीपी। तो टोटल अगर हम बात करें ETS के बाद में ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एनर्जी बनती है, तो 6 तो ये हो गई और 4 ये हो गई, तो टोटल कितनी बन गई, 10 एनर्जी। लेकिन नेट जो अपने पास प्रोडक्शन है इसका, टोटल कितना प्रोडक्शन होगा, वो होगा 8। 8 क्यों होगा, क्योंकि 2 एटीपी हमने क्या किया था, इस प्रोसेस को स्टार्ट करने में काम में ले ली थी। तो टोटल ग्लूकोज के पूरे ऑक्सीडेशन से या ऑक्सीकरण से अपने पास 2 मॉलिक्यूल पाइरूविक एसिड के बनते हैं, जो आगे अगली प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे क्रेब्स साइकिल को, और अपने पास बनेंगे टोटल 8 एटीपी। 8 एटीपी का मतलब टोटल एनर्जी कितनी बन गई साइटोप्लाज्म में, 8 एटीपी। तो इस तरीके से ये एंटायर प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस की। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करना, और इसका जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है क्रेब्स साइकिल का वो जरूर देखें। थैंक यू सो मच।